बच्चों, मैं आज आपको कविता के अनुसार प्रश्न और उत्तर बताने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, आसमान में क्या दौड़ने लगते हैं? प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आसमान में क्या दौड़ने लगते हैं? आसमान में बादल दौड़ने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, तूफान क्या होता है? बहुत तेज हवा को तूफान कहते हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी जैसी चलती है, उसी को तूफान कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, साल के किन महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं? जुलाई और अगस्त महीनों में ज़्यादा बादल छाते हैं। प्रश्न नंबर चार है, बादल क्या बजाते रहते हैं? उत्तर है, बादल ढोलक ढोल बजाते रहते हैं। पांचवा प्रश्न, बादल जिद्दी बनकर क्या लाते हैं? उत्तर है, बादल जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। और छठा प्रश्न है, कविता में बादलों की तुलना किस किस पशु के साथ की है? प्रश्न फिर दोहरा रहा हूँ मैं, कविता में बादलों की तुलना किस किस पशु के साथ की है? उत्तर है, ऊंट, हाथी, शेर से तुलना की गई है। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपने सुने। आपको ये जितने प्रश्न हैं, छः, अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। दूसरा, मैं और आपको एक प्रश्न बता रहा हूँ। प्रश्न है, नीचे लिखे शब्दों का सही सही मिलान करो। नीचे लिखे शब्दों का सही सही मिलान करो। देखिए, एक तरफ मेरी बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड में कुछ शब्द लिखे हैं, जोकर, हाथी, ऊंट, परियां, शेर। और दूसरी तरफ लिखे हैं, मतवाले, पंख लगाए, तोंद फुलाए, सूंड उठाए, कुबड़ वाले। तो इनको आप करेंगे, मैं भी बता देता हूँ इनका मिलान कैसे होगा। जोकर, जोकर कैसा होता है, किसके साथ मिलेगा जोकर, कौन सबसे इसका मिलान होगा? तोंद फुलाए, जोकर तोंद फुलाए, इसके साथ इसका मिलान होगा। हाथी का मिलान होगा सूंड उठाए, और ऊंट का कुबड़ वाले, परियां पंख लगाए, शेर मत वाले। बच्चों, इनको आप कर लेंगे और फिर मुझे दिखाएंगे।